ding 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 यही नहीं, जब केदारनाथ मंदिर प्रधानमंत्री जाते हैं तब सोशल मीडिया में कुछ लोगों ने सवाल किया कि दर्शन का सीधा प्रसारण क्यों किया जा रहा है। कद्दू ले ले, अदरक ले ले, तोरी ले ले, गाजर ले ले, मूली ले ले, शलगम ले ले, पालक ले ले, लहसुन ले ले, मेथी ले ले, गोभी ले ले, प्याज ले ले, चिकंदर ले ले, मूंगर ले ले, मटर ले ले, साग ले 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 ले। मोदी मीडिया लगातार कवरेज करता है। जाहिर है राजनीतिक कार्य के रूप में भी देखा जाएगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि जनता के ठोस आर्थिक सवालों से बचने के लिए हमारे नेता धर्म की शरण में जा रहे हैं? आखिर महंगाई और बेरोजगारी पर बात करने के लिए इतने कैमरे क्यों नहीं दिखाई देते? क्या जनता को यह सवाल नहीं करना चाहिए कि धर्म के नाम पर उसकी मासूम आस्था का राजनीतिक दोहन हो रहा है या इससे राजनीति बेहतर हो रही है? कहीं प्रधानमंत्री से दूसरे दलों के नेता इस मामले में होड़ तो नहीं कर रहे? यह सिलसिला कहां जाकर रुकेगा किसी को पता नहीं। क्या यह बेहतर नहीं हो सकता कि नेता जब पूजा करने जाएं तो व्यक्तिगत ही रहे? आखिर कई जगहों पर तस्वीरें लेने पर रोक होती है, फिर सीधा प्रसारण की छूट केवल नेताओं को ही क्यों मिले? भगवान के आगे तो सब बराबर माने जाते हैं। वेल, दिस इज अ गुड क्वेश्चन। सुंदर सवाल पूछा आपने। चलिए पुडुचेरी को वणक्कम। और